हेलो दोस्तों, अगर आप भी लेदर का जैकेट यूज करते हो तो आपको याद रखना होगा ये पांच बातें। सो वो पांच बातें क्या क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जो बाज़ार में मिलेगा दो टाइप्स का लेदर का जैकेट मिल जाएगा। एक तो सिंथेटिक लेदर होगा और दूसरा रहता है प्योर लेदर। सो सिंथेटिक लेदर आपको आर्टिफिशियल टाइप का लेदर होगा और जो प्योर लेदर रहता है वो प्योर लेदर हो ही गया। सो इस तरह के दो टाइप्स का जैकेट आपको बाज़ार में मिलेगा। तो आज तो फर्स्ट नंबर में हम जानेंगे किस तरीके से प्योर लेदर को गुड कंडीशन में रखा जाए, तो दूसरे नंबर में समझेंगे हम सिंथेटिक लेदर को कैसे गुड कंडीशन में रखा जाए। सो चलिए समझते हैं प्योर लेदर से। प्योर लेदर में क्या करना होगा आपको, फाइव टिप्स, वो क्या क्या है। पहले नंबर में आपको ड्राई करके रखना होगा। अगर आप लेदर का जैकेट इस्तेमाल कर लिए और आपको रखना हो आप लंबे समय के लिए, तो आपको उससे पहले क्या करना होगा, आपको ड्राई करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको धो के सूखने देना है। उससे क्या करना है, लेदर को जैकेट का 5 या 10 मिनट आपको धूप में सूखने देना है। उससे उसके बाद क्या होगा, उसमें जो रहने वाला मॉइस्चर थोड़ा थोड़ा सा रहता है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो उससे क्या होता है, लेदर जैकेट का जो लाइफ है वो वैसे ही बढ़ जाएगा और गुड कंडीशन में रहेगा। चलिए दूसरे पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, लेदर जैकेट को वाटर से बचाना है, अर्थात रेन से हो गया या किसी भी तरह का वाटर कॉन्टैक्ट से उसको बचाना होगा लेदर जैकेट के। लेदर में, प्योर लेदर में, अगर अगर वाटर का उसमें किसी तरीके से पड़ जाए या रिएक्शन हो जाए तो उसमें क्या रहता है, लेदर जैकेट का कंडीशन जो ख़राब हो जाता है, आयु उसका पूरी तरीके से घट जाएगा। चलिए वो हो गया दूसरा नंबर पॉइंट। अब देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट में है, आप अगर जैकेट आप यूज कर लिए तो उसको क्या करना होगा, आपको अच्छी तरीके से हैंगिंग करके रखना होगा। अगर आप अगर लेदर का जैकेट यूज कर लिया, समझ लिया आप एक कपड़ा टाइप का, उसको अगर कहीं पर फेंक कर रखने से रख दे तो उसमें क्या होगा, आपको लेदर का जैकेट में उसमें स्क्रैच टाइप का कुछ लग जाता है, तो उससे क्या रहता है, मगर लेदर का जैकेट में जो पॉलिश टाइप का रहता है वो उसका जो है पॉलिश उड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा लेदर का जैकेट जो शेप देखने का वो लुक्स है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप लेदर जैकेट यूज करके वैसे ही रखने के बजाय आप क्या करिए, हैंगिंग करके रखिए। उससे क्या होगा, अच्छा तरीके का लुक्स और बाहरी जो लुक्स है वो अच्छी तरीके से दिखेगा। ये हो गया हमारा चौथा नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट। अब देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट। आपको चौथा नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, इसमें हीट से बचाना होगा। देखिए, अगर आप लेदर का जैकेट यूज करते हो तो इसको क्या करना है, हीट से बचाना है आपको। देखिए, अगर आप कहीं पर हीट वाला जगह है उसमें अगर आप यहाँ पर लेदर का जैकेट रखते हो तो उसको क्या करना है, आपको हीट वाला जगह से इसको बचा कर रखिए। लेदर का जैकेट क्या होता है, इसमें हीट टाइप का जो रहता है उसमें पॉलिश को क्या करता है, गला जैसा देता है और लेदर का जैकेट का जो लाइफ है वो पूरी तरीके से घट जाएगा। और पाँचवा पॉइंट जो है उसमें क्या, पाँचवा पॉइंट में जो है, पाँच नंबर का पॉइंट में, इसमें क्या है, अगर लेदर का जैकेट आप इस्तेमाल करते हो उसमें कुछ तरीके से धूल मिट्टी जैसा जम गया, मतलब लेदर का जैकेट का जो लुक्स है थोड़ा मतलब अनअट्रैक्टिव टाइप का देखने लगा, तो उस टाइप में आपको क्या करना है, कंडीशनर यूज़ करना होगा। जिस तरीके से हम पॉलिश करते हैं जूता में, शूज़ में, उसी तरीके से आपको कंडीशनर यूज़ करके आपको पॉलिश टाइप का करना होगा, किसमें, तो लेदर जैकेट में। तो उससे क्या होगा, हमारे लेदर के जैकेट के जो लूप्स है वो पूरी तरीके से गुड कंडीशन में, मतलब नया जैसा देखने लगेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जैकेट जो पूरी तरीके से क्लीन रहेगा। ये हो गया हमारा फाइव टिप पॉइंट प्योर लेदर के लिए। अब देखेंगे दूसरे हमारा सिंथेटिक लेदर में क्या क्या करना होगा। देखिए, सिंथेटिक लेदर में लगभग लगभग उसी तरह का पॉइंट है, इसमें जैसा है उसी वही है आपको। इसमें और एक तो ये बात क्या यूज़ नहीं करना होगा, जो कंडीशनर है वो यूज़ नहीं करना होगा। इसमें क्या रहता है, अगर ये आपका सिंथेटिक लेदर है तो सिंथेटिक लेदर में आप कंडीशनर के जगह आप यहाँ पर हेयर ऑयल रहता है उसको भी यूज करके आप जैकेट को पूरी तरीके से क्लीन कर रख सकते हैं इसमें। और बाकी प्रोसेस सब वही है, जैसे कि आपको ड्राई करना होगा, पानी से बचाना होगा और उसको भी करेक्टली हैंगिंग करके रखना होगा। और लास्ट में जो कंडीशनर है उसके जगह पर आपको क्या करना है, अगर रखते समय आप रख रहे हो लंबी समय के लिए रखना है आपको, तो उसमें क्या करना होगा, कंडीशनर के बजाय आप वहाँ पर क्या यूज करिए, हेयर वेल को जो है यूज करके उसमें पूरी जैकेट को पॉलिश जैसा कर लिए, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं उसी तरीके से पूरी जैकेट में आपको पॉलिश जैसा कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको 5 या 10 मिनट धूप में सूखने देना है, या तो आप हेयर ऑयल हालने लगाने से पहले भी आपको सूखने दे सकते हैं, आप घाम धूप में ड्राई कर सकते हैं। अगर नहीं वो नहीं आए तो आप डायरेक्ट तेल लगा करके भी, आप हेयर ऑयल यूज करके भी आप वहाँ पर ड्राई करके रख सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, आपको जो
मॉइस्चर जो रहता है जैकेट में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और आपको क्या करना है, अगर आप बैग में रखने के लिए सोच रहे हो जैकेट को, तो उसमें आपको एक तो फिनाइल का गोली रख देना है, जिससे क्या होगा हमारा उस टाइप में जो रहने वाला दुर्गंध हो या बदबू आए वो हट जाएगा। और आप अगर सोचते हो नहीं हम जैकेट को बैग में पैक करके रखेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक ठो सिल्का जेल का जो आपको पैकेट मिल जाएगा बाज़ार में, वो आपको यूज करना है, जिससे क्या होगा मॉइस्चर वगैरह को है वो आने नहीं देता है। नहीं तो नहीं अच्छा होगा लेदर का जैकेट हैंगिंग करके रखिए, क्योंकि लेदर का जैकेट हैंगिंग करने से वो अच्छा रहता है, उसमें क्या आता है जो उसमें मॉइस्चर जो रहता है वो एयर में सर्कुलेट नहीं हो पाता और अच्छी तरीके से रह जाता है। तो ये हो गया हमारा टिप्स सिंथेटिक लेदर का अच्छे रखने का। सो ये दोनों लगभग लगभग सेम ही है, और आप दोनों इसमें कंडीशनर यूज कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते। तो ये बातें हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।